हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। हम एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन मैं साथ साथ पढ़ता हूँ और उसके बाद इसको हम मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:2, 2:5 एंड 1:10। तो यहाँ पे बस हमें निकालना है, फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर्स। तो यहाँ पे जो तीसरा नाम लिखा है गर्व का, अगर वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद हमें जो बाकी जो दो पार्टनर्स बचे हैं, गीता और राधा, इनके आपस में जो है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, गीता, राधा और गर्व। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गीता, राधा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको राइटिंग मेरी समझ आती रहे। गीता, राधा और गर्व, और इनके बीच में रेशो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2, 2:5 और 1:10। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1:2, 2:5 और 1:10। अच्छा, हमारा ना हमारी कोशिश ये होती है कि पहले जो हमें रेशो दे रखा है बड़ा अनइवन तरीके से, अनइवन तरीका कब बोलेंगे हम इसको, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसका जो है 2 है, इसका 5 है और इसका 10 है। तो कहीं ना कहीं हम प्रेफर करते हैं कि पहले ये कॉमन डिनोमिनेटर में आ जाए, उसके बाद ताकि हम इसको कॉलन फॉर्म में लिख सके। ठीक, इसका हमें चेक करना है देख के कि यार इसका एलसीएम जो है वो क्या होगा, तो 2, 5, 10। तो 10 जो इसका मैं एलसीएम रख सकता हूँ, क्योंकि 10 में जो है 2, 5, 10 सब आते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 रखा और इन सबको चेंज करना है। तो चेंज मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि मुझे सभी का जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, वो 10 बनाना है। तो 1:2 को अगर मुझे 10 बनाना है तो मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 5/10। तो 1:2 = 5/10। ओके, और अब मैं 5/10:4/10:1/10 लिख सकता हूँ, या इसको स्ट्रेट अवे 5:4:1 लिख सकता हूँ। तो पहला काम तो क्या है कि आप जो बहुत ही उबड़ खाबड़ सा जो आपको रेशो दे रखा है ओल्ड, उसको आप थोड़ा सा इवन तरीके से लिख लो प्रॉपर, और डिनोमिनेटर सेम लिख के। ठीक है, अगर वैसे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक में यहाँ पे बीच में आपको लगे कि यार ये कैसे हुआ, तो आप मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका वहीं पर जवाब दे दूंगा। या अगर कुछ मेजर टॉपिक होगा जिस पर मुझे लगता है कि अलग से भी वीडियो बन सकती है, तो मैं अलग से वीडियो बना के उसका लिंक आपको जो रिप्लाई में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 5:4:1 हो गया। मैं बड़े इत्मीनान से करा रहा हूँ इसको, भले ही बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है शुरुआत में। यहाँ पे जो है आप देखिए कि क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे बता रखा है कि गर्व जो है रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम गर्व की छुट्टी कर देंगे, तो गर्व जो है गए, और अब बचे कौन, गीता और राधा। अब देखिए इसको ना इन्होंने बहुत शॉर्टकट तरीके से कर रखा है, कि क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा, पहली बात तो गर्व का रेशो कितना है 1:10। अच्छा, गर्व अगर रिटायर हो रहे हैं तो अपना कितना रेशो छोड़ के जा रहे हैं, 1:10। सॉरी, थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है तो आवाज थोड़ा सा गूंज भी रही होगी और थोड़ा सा वैसा भी लग रहा होगा, नीजल वॉइस आ रही होगी, तो खैर। लेकिन 1:10 इनका शेयर है, जो कि क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं तो ये छोड़ के जा रहे हैं अपना ये शेयर। अब क्योंकि हमें नहीं बता रखा इस छोड़े हुए शेयर को, गीता और राधा जो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ये किस रेशो में अपने आप में बांटेंगे अपने आपस में। तो हम क्या करेंगे, जो इनके आपस में रेशो चल रहा है 5:4, हम इसके रुके जो बचा है शेयर हमारे पास गर्व के जाने की वजह से, इसको 5:4 में ही हम जो है बांट देंगे। और या डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि अगर ये बंदा गया तो जो भी शेयर इनका है 5:4 है जैसे, तो हमें और कुछ नहीं बता रखा, और बस ये बता रखा है कि ये बंदा गया, और हमें नहीं बता रखा कि जो बंदा गया अपना जो इसका शेयर है किस तरह से बांट रहे हैं गीता और राधा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इनका जो ओल्ड शेयर है 5:4 है अपने आपस में इन दोनों की बात करें, तो इनका न्यू शेयर भी जो है यही हो जाएगा 5:4। तो ये तो बहुत शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर इसको आप नॉर्मली निकालते भी तो ये 5:4 ही आता, तो उसको हम निकालते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो उन्होंने एकदम से बस लिख दिया कि गीता और राधा कंटिन्यू कर रहे हैं, गर्व जा रहे हैं, अब जो वो शेयर छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि गीता और राधा इस 1:10 को आपस में किस तरह से बांटेंगे, क्योंकि बांटेंगे तो यही दोनों, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ इनका ओल्ड शेयर है 5:4, न्यू शेयर भी आपस में इनका हो जाएगा 5:4।
लेकिन इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे 5:4 आएगा। तो ऐसा करते हैं, होता ये है कि 1/10 को हम बांट देते हैं, और अगर कुछ नहीं बता रखा होता तो इस 1/10 को गीता और राधा आपस में 5:4 में ही बांट लेंगे। तो अब देख लेते हैं कि इनको इंडिविजुअली गेन कितना हो रहा है। अब इसमें से इस 1/10 में से गीता को कितना मिलेगा, तो हम सिंपली इस 1/10 को, अगर हमें और कोई रेशियो नहीं पता तो इस 1/10 के गेन को ये दोनों पार्टनर्स आपस में 5:4 में बांट लेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन बता भी देगा तो तब हम वो जो रेशियो दे रखा है कि किस रेशियो में गेन को ये बांट रहे हैं अपने, तो उस रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। लेकिन अगर नहीं बता रखा तो इसको हम 5:4 में बांट देंगे इस गेन को, और हमें इंडिविजुअल गेन पता लग जाएगा कि गीता का कितना हो रहा है और राधा का कितना हो रहा है। तो 1/10 का 5:4 में बांटना है, तो 5:4 में बांटने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/10 का 5/9 निकाल लूंगा, क्योंकि 5 + 4 9 है। तो टोटल को नीचे रखूंगा और इंडिविजुअल इसकी इसका कितना मिलेगा, इसको 5 5 पोर्शन टोटल में से। तो 5:4 को इंडिविजुअल लिखने का मतलब है 5/9, और किसका मिल रहा है 5/9, इस 1/10 का जो बचा है गर्भ के जाने से। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5/90। आप साथ साथ ना जो मैं लिख रहा हूँ वो आप साथ साथ अपने माइंड में भी कैलकुलेट करते जाओ, और तुरंत आप देखो कि जो आपने सोचा था वही आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो है अब हम इसको 1/10 को 4/9 निकाल लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5/90, ये आ गया है 4/90, और ये जो है इंडिविजुअल गेन है, एक ये गेन है या बोलो गेनिंग रेशियो है, ये है किसका, गीता का 5/90, और ये है किसका, ये है हमारा राधा का गेन 1/90। तो राधा का गेनिंग रेशियो है, सॉरी ये 4/90, तो राधा का गेनिंग रेशियो है 4/90। और अगर आपको यहां से अगर न्यू शेयर निकालना हो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से, थोड़े लंबे रास्ते से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू शेयर निकालने के लिए अगर हम न्यू शेयर निकालना चाहते हैं तो गीता का कैसे आएगा, सिंपली ओल्ड शेयर में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इनका गेनिंग रेशो, जो भी इनको गेन हुआ है गर्भ के जाने से। हो गया आपका क्या है, गीता कॉलन राधा, ये हो जाएगा 5/9, और ये है 4/9, या जिसको आप लिख सकते हो 5:4, जो कि डायरेक्टली मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था कि यही होगा। अगर हमें कभी भी जो जाने वाला पार्टनर है जितना वो शेयर छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो तो जा रहे है, तो उसका जो प्रॉफिट शेयर वो अर्न कर रहा था, रिसीव कर रहा था, वो ये दोनों आपस में बांट लेंगे। तो अगर हमें कुछ नहीं बता रखा तो हम स्ट्रेट अवे भी कह सकते हैं कि अगर इस 1/10 का हमें नहीं बता रखा कि किस तरह से बांटेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, तो जो भी उनका आपस में ओल्ड शेयर था वही डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि न्यू शेयर होगा, ठीक है। और गेनिंग रेशो निकालने का थोड़ा लंबा तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी छोटा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको जब न्यू शेयर पता ही है, ओल्ड शेयर पता ही है, तो आप न्यू शेयर इसका है कितना 5/9, ओल्ड शेयर कितना है इसका 5/4/1 के साथ, तो 5/10 आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करो, और जो भी बच रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्यों बच रहा है, क्योंकि न्यू शेयर ज्यादा है उतने से ओल्ड शेयर से, तो इसका मतलब है कि वो उस पार्टनर का गेन है, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से निकालना नहीं भी चाहते हो अगर आपको, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका मेरे को लगता है कि पता होना चाहिए ताकि आप ऑन द स्पॉट ट्रिक्स वगैरह भूल जाओ, तो आप इस तरह से भी लंबे तरीका है भले, लेकिन आप फिर भी निकाल सको। TS ग्रेवाल 2021-22 का जो सेशन की बुक है, मैं उससे जो लेटेस्ट सेशन अवेलेबल है तो उसी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूं शायद, लेकिन हाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना कि कौन से क्वेश्चन पे मैं वीडियो पहले बना दूं जो कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, ज्यादा अजीब से लगते हैं, ठीक है। तो चाहे वो लंबे हों चाहे वो छोटे हों, लेकिन आप प्रेफरेंस मुझे बता दो अपनी कि आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से इस एडिशन की बुक में जो भी आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता दो जिसपे मैं पहले वीडियो बना दूं। तो कोई सेट सीक्वेंस नहीं है, जो भी मुझे लगेगा कि प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, मैं अगर मुझे लगा क्वेश्चन 41 की डिमांड ज्यादा आ रही है तो मैं क्वेश्चन 41 पहले बना दूंगा, और ताकि जो है आपको टाइमली वो मिल जाए और आप जो है अपनी प्रैक्टिस जो है टाइमली जो है करके जो अपना जो कोर्स है अपने लेवल पे जल्दी कंप्लीट कर पाओ, ठीक है, ओके। और एक छोटी सी बात है, अगर आपको मेरे से प्रॉपरली जो है पूरे कोर्स की लाइव क्लासेस चाहिए तो क्लास 11th और 12th को मैं अकाउंट्स की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, इको की भी, BST की भी, और अकाउंट्स के बच्चे जो है मेरे पास सबसे ज्यादा हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अकाउंट्स ही सबसे डरावना लगता है बच्चों को, तो आप अकाउंट्स में मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी
प्रॉपरली आई आपके किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, फुल फ्लेज प्रॉपर सारी क्लासेस चाहिए सारे चैप्टर्स की, या किसी इवन एक चैप्टर की भी, कि मतलब उनको एक ही चैप्टर में दिक्कत है, तो उस चैप्टर को प्रॉपरली मैं कवर करा सकता हूँ। और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो आप मुझको ट्रस्ट कर सकते हैं इस जर्नी में। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को चाहिए, तो आप उनको मुझे जो है रेफर कर सकते हैं, और खुद भी आप क्लासेस जो है मुझसे ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। थैंक यू।